दोस्तों YouTube में आ गए हैं दो नए अपडेट और अपडेट काफ़ी ज़बरदस्त है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। दोनों ही अपडेट काफ़ी मस्त है। अगर आप एक YouTube क्रिएटर है या फिर आप YouTube व्यूअर है तो ये दोनों अपडेट इन दोनों के लिए हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन से दो अपडेट हैं। तो साथियों बात कर लेते हैं पहले अपडेट के बारे में। देखिए, अगर आप अपनी वीडियो में किसी भी तरीके के म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं और बाई चांस उस म्यूज़िक पर आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आपकी जो वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ दिखाई देता है म्यूजिक इन दिस वीडियो, जिससे आपको यह पता चल जाता है कि आपकी जो वीडियो है उस पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। देखिए, अगर आप YouTube की जो ऑडियो लाइब्रेरी होती है जहां पे आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलते हैं, अगर आप वहां से अपनी वीडियो में म्यूजिक को ऐड करते हैं, जितनी भी वीडियो में आप म्यूजिक को ऐड करोगे उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेम चीज लिखी हुई दिखाई देगी। वहां पे भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा म्यूजिक इन दिस वीडियो, वो ऑटोमेटिक एट्रीब्यूट हो जाएगा और वहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा म्यूजिक इन दिस वीडियो। तो आपको वहां पे घबराना नहीं है कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, नहीं। ये आपको जितनी भी वीडियो में आप जो ऑडियो लाइब्रेरी है YouTube की, अगर वहां से आप म्यूजिक को ऐड करोगे तो उन सभी वीडियो में आपको ये चीजें दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आ गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इससे फायदा क्या है। देखिए, अगर आपने किसी वीडियो में अपने म्यूजिक को ऐड किया है ऑडियो लाइब्रेरी से और वो म्यूजिक किसी को पसंद आ जाता है, जो आपके व्यूअर है जो आपकी वीडियो को देखते हैं, अगर उनको वो म्यूजिक पसंद आ जाता है और वो उसको अपनी वीडियो में इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये म्यूजिक का नाम क्या है, म्यूजिक कहां से लिया गया है, तो उनको अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है, आपकी जो वीडियो है जिस पे म्यूजिक को ऐड किया गया है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और जहां पे वो लिखा हुआ है म्यूजिक इन दिस वीडियो उस पे आप उसको क्लिक कर देना है। जैसे वो क्लिक करेंगे तो वो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे और वहां से वो म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था पहला अपडेट। अब बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। साथियों आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे क्रिएटर हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो लोग अपनी वीडियो में चैप्टर को ऐड करते हैं, यानी चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं। उनकी वीडियो में आपको चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये चैप्टर क्या होता है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी को बोला जाता है चैप्टर। इससे क्या होता है कि जो व्यूअर है, जो लोग उनकी वीडियो को देखते हैं, उनको जो भी चैप्टर देखना है वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करते हैं और वो वीडियो वहीं से प्ले हो जाती है, यानी वो चैप्टर वहीं से प्ले हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो जो चैप्टर होते हैं वो डायरेक्ट आपको वीडियो के नीचे दिखाई नहीं देते। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए पहले आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होता है और वहां पे वो सभी चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वो चैप्टर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे वो सभी चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहां से आप उनको चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, इस अपडेट के बाद उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब वो जो चैप्टर है वो डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वीडियो को प्ले करना होगा। अगर उस वीडियो में चैप्टर को ऐड किया गया होगा तो उस वीडियो के नीचे आपको एक टैब दिखाई देगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे आपको एक टैब दिखाई देगा। जैसे आप टैब पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जितने भी उस वीडियो के चैप्टर होंगे वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे और वहीं से आप डायरेक्ट प्ले करके उस वीडियो को देख सकते हो। अब आपको बार-बार जो डिस्क्रिप्शन में जाना होता था तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों अपडेट मुझे काफी पसंद आए हैं। आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, आप सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।